डैंड्रफ, रूसी, ये सफेद सफेद से कण जो हमारे बालों से निकलते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने डैंड्रफ को फेस किया होगा, और उसके लिए आपने लगाए होंगे मार्केट में जो मिल रहे हैं वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह या फिर मास्क वगैरह। तो आपको पता है कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से डैंड्रफ को रिमूव करता है, लेकिन हमें चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। पे आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स, और इसको फॉलो करने का पक्का इरादा, तो आप अपनी रूसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मेरे DIY प्रोडक्ट है ब्यूटीफिक, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम मिलकर रूसी को भगाते हैं। डैंड्रफ जनरली ड्राई स्कैल्प की वजह से होता है। जनरली डैंड्रफ विंटर में होता है, लेकिन कई कई लोगों को तो कोई भी सीजन में डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ होने की वजह आयुर्वेद में बताया गया है कि उसका जो मेन रूट कोस रहता है वो वात पित्त है, तो वहाँ पे आपको उसकी वजह से डैंड्रफ होता है। लेकिन उस डैंड्रफ होने की वजह और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि बालों में ऑयलिंग रेगुलर नहीं करना, हेयर वॉश रेगुलर नहीं करना, या फिर ओवर हीट टूल यूज़ करना, या फिर ओवर केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करना, या फिर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सब प्रॉब्लम हो रही हो तो, और या फिर आपको स्ट्रेस हो, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न रहते हैं डैंड्रफ होने से। तो मॉडर्न साइंस में तो ऐसा कोई नहीं बताया गया कि इसको परमानेंट इलाज क्या है, तो इससे हम छुटकारा कैसे पाए। तो जहाँ पर मॉडर्न साइंस काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे आयुर्वेद आता है, और आयुर्वेद में बहुत सारे इसके रेमेडीज वगैरह दिए गए हैं। तो चलिए आज का बहुत ही इफेक्टिव, सिंपल और प्रैक्टिकल हम आज का रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कर्ड। कर्ड यहाँ पे आपको लेना है घर का, आपको घर की बनी दही लेनी है, तो यहाँ पे आपको लेना है कर्ड। तो 2 स्पून अराउंड मैंने यहाँ पे कर्ड लिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है लेमन। लेमन यहाँ पे मैंने 2 स्पून ऐड किया है। लेमन आपको पता है कि विटामिन सी रहता है, और लेमन के अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमारे डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 2 स्पून अराउंड मैंने लेमन ऐड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक मटर के दाने जितना यहाँ पे मैंने कपूर लिया है। तो कपूर को मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है, ज्यादा हमें नहीं लेना है, क्योंकि कपूर का जो नेचर रहता है थोड़ा स्ट्रांग रहता है, तो अगर आपने ज्यादा लिया तो आपको स्कैल्प में ज्यादा इरिटेशन वगैरह होगा। तो आप छोटा सा ही लेना है आपको, और उसको क्रश कर लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, और उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। कपूर का नेचर ऐसा रहता है, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती है इसके अंदर, तो वो हमारे डैंड्रफ को रिमूव करने में, जड़ से खत्म करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑयल डालना है, आपके पास जो भी ऑयल हो। यहाँ पे मैंने मेरा ब्यूटीफिक का हेयर ऑयल डाला है, अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है लिंक नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आप हेयर ऑयल यूज करते हो, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री आप हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने हेयर ऑयल डाला था, और उसके बाद ये पूरा मैंने पैक तैयार कर लिया। अभी इस पैक को हमें कोई भी ड्राई हेयर हो, ऑयली हेयर हो, कोई भी हेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे स्कैल्प में मैंने लगा लिया है। ये मास्क को आपको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में मैंने पूरा लगा लिया, और फिर उसको मैंने रखा अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यहाँ पे मैंने इस मास्क को अपने हेयर में रखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लिया है। अगर आप नॉर्मल शैम्पू की मैं बात करूं तो आपको लगेगा कि हम कौन सा शैम्पू यूज करें, मार्केट में बहुत सारे शैम्पू मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो शैम्पू हमारे हेयर के लिए कितने हार्मफुल रहते हैं। स्पेशली उसके लिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, प्लीज लेकिन मुझे कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हो कि नहीं कि इस टाइप का मैं वीडियो बनाऊं, कि आपको एक सही गाइडेंस मिले कि कौन सा शैम्पू हमें यूज करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल शैम्पू से हमें हेयर वॉश कर लेना है। बहुत ज्यादा रूसी हो रही है तो वीक में 2 बार लगाइए, या फिर वीक में 1 टाइम सफिशियंट है। डे बाय डे यूज करोगे ना, आपको रूसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये परमानेंट इलाज है, ट्राई एंड टेस्टेड इलाज है, तो प्लीज गाइस जरूर ट्राई करिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।